राजस्थान के सियासी गलियारे में होने जा रहा बड़ा उलटफेर, सरकार के साथ सीएम चेहरे पर भी होगा बड़ा फेरबदल। राजस्थान के चुनावी मंच से नहीं लिया किसी भी नेता का नाम, क्या पीएम मोदी कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं? पीएम मोदी के दौरे के बाद सियासत का बाजार गरमाया, क्या मोदी ने किसी और चेहरे को उतारने की कर ली तैयारी? क्या राजस्थान बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे का कट गया पत्ता? आखिर क्या चल रहा है मोदी के मन में? बीजेपी ने इस बड़े चेहरे को किया दरकिनार, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता के आने से उठ रहे सवाल। जी, तारीख 26 सितंबर दोपहर 4:30 बजे का वक्त, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए मोदी का आगमन, और कुछ ही देर बाद मोदी ने मंच पर चढ़ते ही कर दिया ऐसा इशारा जिसने सियासी गलियारे में मचा दी खलबली। मोदी के चेहरे पर साफ तौर से नाराजगी दिखाई दे रही थी। मोदी के मन में क्या चल रहा था, ये बात मंच पर मौजूद नेता और रैली में पहुंची जनता के साथ पूरा राजस्थान भी समझ नहीं पाया। क्या राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा पलटवार होने वाला है? आखिर किन वजहों से मोदी ने अपने सबसे बड़े राजस्थान के चेहरे, यानी जिसने 20 साल से राजस्थान बीजेपी की कमान संभाल रखी है, उस बड़े चेहरे को भी फ्रंट में नहीं लाया? क्या मोदी का राजस्थान का कोई न्यू मेगा प्लान है? ऐसे कई सवाल है जो इस वक्त लोगों के मन में उठने शुरू हो गए हैं, जिसने भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव साल के अंत तक होने वाला है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि बीजेपी की तरफ से राजस्थान का सबसे फ्रंट और सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में कई ऐसी खबरें और एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, और तस्वीर देखने के बाद लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या वसुंधरा राजे गहलोत और सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में जाने वाली है, या फिर सचिन पायलट क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? इसके साथ बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे को लगातार दरकिनार किए जाने की वजह से क्या वो नाराज है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। दरअसल जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, साथ ही सचिन पायलट भी मौजूद थे। हालांकि राजे ने समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं किया, लेकिन कार्यक्रम के बाद उनसे अलग से मुलाकात की, और इस बीच दोनों नेताओं की एक साथ खींची गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बीते कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर थे। इस दौरे पर मोदी ने कई नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी और सबसे बड़े चेहरे से दूरी बनाते दिखे। मोदी ने मंच पर अपना संबोधन शुरू करते वक्त किसी का नाम नहीं लिया। अक्सर मोदी हर एक कार्यक्रम में अपने भाषण को शुरू करने से पहले मंच पर मौजूद सभी नेताओं का नाम लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस नेता का कद कितना बड़ा है। लेकिन मोदी ने कल के दिन ना तो किसी का नाम लिया और ना ही किसी को बोलने का मौका दिया। मोदी के चेहरे पर रौनक नहीं थी। मंच पर 20 साल से बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही वसुंधरा राजे भी मौजूद रही, लेकिन मोदी ने ना उन्हें बोलने का मौका दिया और ना ही किसी और नेता को। राजे दो बार राजस्थान के सीएम रह चुके हैं, उसके बाद भी मोदी ने अनदेखी की। लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि वसुंधरा का पत्ता कट चुका है और किसी नए चेहरे पर मोदी दांव लगाएंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मोदी की राजस्थान में पहली रैली थी। महिलाओं को मोदी ने इस रैली में ज्यादा तवज्जो दी और काफी संख्या में मंच पर महिला मौजूद रही। वहीं मंच पर मोदी के साथ मौजूद कई चेहरों में से एक चेहरे को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, जिसे बीजेपी अपना सीएम चेहरा बना सकती है। मंच पर पूर्व सीएम के साथ सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोहली, जसकौर मीणा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, महापौर सौम्या गुर्जर और हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा भी मौजूद रही। लेकिन इन सब महिला नेताओं में दिया कुमारी और अलका गुर्जर मुख्य भूमिकाओं में नजर आई। ऐसे में बीजेपी कई बार चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो हो सकता है कि वसुंधरा की जगह इन दोनों चेहरों में से किसी एक को सीएम चेहरा बना दे। बीते कई दिनों से बीजेपी वसुंधरा को अनदेखा कर रही है, तो दूसरी तरफ राजे भी पार्टी से हटकर निजी स्तर पर देव दर्शन यात्राओं के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करती दिख रही है। हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ वसुंधरा ने परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी, लेकिन राजे ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेता चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बार बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। शायद यही वजह कि सीएम उम्मीदवार को अभी सामने नहीं लाया गया। वहीं कल के दिन जो जयपुर में दिखा, उससे भी ऐसा लगा कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है। वहीं हाल ही के दिनों में सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में आने के कई बड़े सवाल खड़े हुए। ऐसे में इधर से वसुंधरा का कांग्रेस में जाना और उधर से सचिन का बीजेपी में आना कांग्रेस और बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। गहलोत भी मचे हुए खिलाड़ी हैं। यही वजह कि कांग्रेस ने तमाम वाद विवादों और सचिन गहलोत की लड़ाई के बाद भी गहलोत को सीएम पद की गद्दी से नहीं हटाया। गहलोत ने चुनाव से पहले ही कई बड़ी योजनाओं के साथ पूरे राजस्थान को बड़ी सौगात दे डाली है। ऐसे में बीजेपी को कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सावधान रहना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में वसुंधरा का पत्ता कट गया है? क्या कोई नया चेहरा होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।